मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता ने दिया विवाद खड़ा कर देने वाला बयान। कहा आरएसएस बीजेपी के लोग शादी नहीं करते इसलिए रेप करते हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी। कई जगह हिंसा के बाद बनी तनाव जैसी स्थिति। वहीं सूबे के मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने जड़ा बीजेपी कार्यकर्ता को थप्पड़। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट किया घोषित। उत्तर प्रदेश के राजपुरा के संबल में खराब मौसम ने बरपाया कहर। बिजली गिरने की वजह से 100 घर आग में जलकर हुए खाक। कर्नाटक चुनाव के बाद पेट्रोल की कीमत में 17 पैसे जबकि डीजल के मूल्य में 21 पैसे की हुई वृद्धि। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 74.80 रुपए प्रति लीटर हुई, वहीं डीजल 66.14 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। दिल्ली में आंधी तूफान के कहर से मरने वालों की संख्या 40 के पार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। सोशल मीडिया कम्युनिटी द्वारा कराए गए सर्वे में भाग लेने वाले 56% लोग नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से हैं संतुष्ट। 3/4 ने पाकिस्तान नीति का किया समर्थन। हिंदू मुस्लिम एकता का चेहरा रहे संगीतकार रमेश हसन का 73 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका में हुआ निधन। हरियाणा सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु की मांग। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रखा जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जॉस बटलर ने एक बार फिर शानदार पारी खेलकर राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 विकेट से जीत दिला दी। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट गंवाकर 168 रन बनाए थे।